समय सुबह 9 बजे प्लेटफार्म नंबर 1 ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर 286 करोड़ की लागत से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण और सौंदर्यकरण अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा तथा कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद फरीदाबाद व केंद्रीय राज्य मंत्री की गरिमा में उपस्थिति में किया गया है। इस शुभ अवसर पर सभी को आमंत्रित किया गया था, सभी बड़े गणमान्य जनों और नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया। सभी की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के 286 करोड़ की लागत से बनने वाले फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण और सौंदर्यकरण का शिलान्यास किया गया है। करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का और अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का कि ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन और फरीदाबाद की अपनी पहचान और जिसका आज इतना पैसा है उन्होंने मंजूर करा के फरीदाबाद के लोगों को दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन मात्र 300 मीटर में जीटी रोड भी हो, रेल हो और मेट्रो हो, उत्तर भारत में इससे बढ़िया कनेक्टिविटी कहीं है नहीं। और मैं इस बात की बधाई भी दूंगा कि हमारा सबसे बड़ा जो प्रेशर है कि सबसे बड़ा प्रेशर फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर रहता है, तो मैं इस दिन के लिए मैं केंद्रपाल गुर्जर जी का, रेलवे के अधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जब थोड़ी देर बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला उनके पुनर्विकास की रखने वाले हैं, जिसकी कीमत लगभग 25,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। मतलब भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए आज के शुभ अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे गंगावर के लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार के मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारे बड़कल की लोकप्रिय विधायक कंसी मा त्रिखा जी, हमारे होटल के लोकप्रिय विधायक पूर्व में मंत्री रहे भाई जगदीश नायर जी, हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक भाई दीपक मंगला जी, हमारे हतीम के लोकप्रिय विधायक भाई परवीन डागर जी, हमारे तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष अपने भाई गोपाल शर्मा जी, फरीदाबाद के पलवल के श्री चरण सिंह तेवतिया जी और पूर्व में फरीदाबाद जिले के दो बार जिला अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अजय गौड़ जी, और यहाँ पर पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और ADRM दिल्ली डिवीजन के श्री अमन सेठी जी, रेलवे के और जिला फरीदाबाद के दूसरे अधिकारीगण, हमारे फरीदाबाद की वर्तमान मेयर बिटिया सुमन बालाजी, भाई राकेश गुप्ता जी, जिला परिषद के दोनों चेयरमैन भाई विजय लोहिया जी, भाई मनोज रावत जी और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार और छायाकार मित्र। जैसे पहले मैंने कहा, आज देश के लिए बहुत शुभ अवसर का दिन है। 2047 में भारत विकसित भारत हो, दुनिया का श्रेष्ठ भारत हो, उसके लिए पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज उसी कड़ी में जब भारत को विकसित भारत बनाना है,
तो भारत के हर क्षेत्र में वही सुविधा हो जो देश के विकसित देशों में वहां के नागरिकों को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री भी रखेंगे और इन रेलवे स्टेशनों में वही सब सुविधाएं उपस्थित होगी लोगों के लिए जो विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों में वहां के नागरिकों को मिलती है। अगर विस्तार से मैं उन पर जाऊंगा क्या क्या होगा वो सारा बुकलेट में है, आपको मिल गई। और उसी कड़ी में फरीदाबाद का जो ये रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, इसको भी 262 करोड़ की लागत से मंजूर तो हुआ है 286 करोड़ रुपया, लेकिन जो टेंडर आया है जिसमें काम हो रहा है वो 262 करोड़ रुपया की लागत से बहुत सुंदर सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस रेलवे स्टेशन का पूरा पुनर्विकास करने का आज शुभारंभ तो हो गया, आज प्रधानमंत्री जी करें। मित्रों अगर मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब से इस देश की बागडोर आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी के हाथों में आई है, रेलवे का हर तरह से जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है।